आप सभी से अनुरोध है कि इस लाइन से कृपया दूरी बनाकर खड़े हो जाएं, इधर थोड़ी देर बाद में गाड़ी आने वाली है। हाँ, आप बताओ कार्य में लगे हुए आज दिनांक 18 मार्च को गाड़ी संख्या 12548 जो कि साबरमती से आगरा की तरफ जा रही थी, उसका अजमेर के पास मदार के होम सिग्नल पर अवपतन हो गया। इस डेरेलमेंट के कारण से इंजन और चार जो जनरल के डब्बे थे उनका अवपतन हो गया है। हमारे अधिकारी जो है दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंच गए हैं। कोई भी जनहानि नहीं हुई है इस पूरे घटनाक्रम में और कुछ जो मामूली चोट लगी थी पैसेंजर्स को उनको तुरंत ही जन पास के अस्पताल में ले गया गया है। हमारे जो दुर्घटना राहत गाड़ी होती है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है, राहत पहुंचाने का काम तुरंत कर दिया गया है और जो रिस्टोरेशन का काम है वो भी शीघ्र कर दिया गया है। हमारी पूरी उम्मीद है कि जो हमारी टीम है वो तुरंत ही साइट को रिस्टोर भी कर देगी। इस पूरे घटना को मॉनिटर कर रही है हमारी अधिकारियाँ जो है वहाँ पहुँचे हुए हैं, कंट्रोल रूम में हमारे अधिकारी पहुँचे हुए हैं और अजमेर स्टेशन पर और भी त्वरित जानकारी के लिए किसी भी और भी मदद के लिए हमने एक हेल्पलाइन बनाई है जो कि है 01452429642। मैं पुनः रिपीट करता हूँ, जो हमारी हेल्पलाइन है वो है 01452429642। कोई भी परिजन जो है इस लैंडलाइन के माध्यम से गाड़ी के बारे में डिटेल या उनके जो और भी स्थिति है उसके बारे में पता कर सकते हैं। डाउन मेन से गाड़ी आ रही थी, होम सिग्नल उसका रेड था, उसको जो पायलट्स को कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लग गया। इधर से दूसरी गुड्स ट्रेन मेरी क्रॉस कर रही थी तो वो कंट्रोल करने में देरी हो गई और उनके दोनों साइड से रगड़ खा गई, जिसके कारण ट्रेन के कुछ कोचेज डेरेल हो गए हैं। चोट किसी को नहीं लगी, किसी का कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। एक आदमी को फर्स्ट एड, थोड़ी सी खुर्च लगी थी उसको फर्स्ट एड दे करके फर्स्ट एड दिया गया। देन हम लोगों ने ये वो ट्रेन भी यहाँ से साइड से चालू हो गई, तीन में से दो लाइनों पर ट्रेन की आवागामी चालू हो गई है।